है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड एप्लीकेशन पर बात करेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है? चेक द इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इन अदर वर्ड्स, डायमेंशनल बैलेंस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, मतलब हमें कोई भी फिजिकल इक्वेशन गिवन हो सकती है और उसे हमें चेक करना होगा कि वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस से इजीली चेक कर सकते हैं। तो फिजिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के डायमेंशंस को लिखना होगा। अगर दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वल आती है तो वो इक्वेशन करेक्ट होती है। अगर दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वल नहीं आती है तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट होती है। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को इक्वल क्यों कर रहे हैं? तो सेकंड एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं और एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब लेंथ को मास में ऐड नहीं किया जा सकता, वेलोसिटी को करंट में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, मास को मास में ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं और करंट को करंट में ऐड कर सकते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हो। तो किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसके बेसिस पे हम किसी भी इक्वेशन को इजीली चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से ये आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे फॉर्मूला है हमारे पास टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। एल यहां पर लेंथ है, जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन और टी टाइम पीरियड। तो इसे हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम सबसे पहले टी की डायमेंशन लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ टी, टाइम पीरियड की डायमेंशन टी होती है। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड, इसकी डायमेंशन लेंगे 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। 2π की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो एल की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन होती है एल और एक्सिलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, इसकी पावर 1/2। तो इसके बाद जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो लेंथ की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको अलग अलग करके लिख लो, लेंथ की पावर 1/2 एन टी की पावर माइनस 2 की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/t की पावर माइनस 1। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा यानी t। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी t आई थी और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी t आ गई। मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। इसी के साथ हम एक और एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इक्वेशन है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ी होगी इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है डायमेंशनल एनालिसिस से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देख लेते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1 होती है। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, u प्लस a इंटू टी। तो u हमारी वेलोसिटी है, तो u की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डायमेंशन, तो ये है एक्सिलरेशन इंटू टाइम। तो एक्सिलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2 और टाइम की डायमेंशन होती है t। तो एल टी माइनस 2 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 प्लस 1 ये आएगा माइनस 1, एल टी माइनस 1। तो इस इक्वेशन में तीनों टर्म की डायमेंशन एल टी माइनस 1 आई।
एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड की डायमेंशन सेम है, इसलिए ये इक्वेशन भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हम इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।